29.18% कम नहीं होता है किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी के तौर पर। यह 29.18% शेयर फुर्र हवा में एकदम से उड़ते हुए जाते हैं और किसी दूसरी कंपनी के पाले में जाके गिर जाते हैं। अचानक से आखिरकार यह हुआ कैसे और एनडीटीवी को पता ही नहीं लगा कि इनके करीब 30% शेयर की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप के पाले में चली गई। कहने का मतलब मोटा मोटा यह कि अडानी ग्रुप के पास 30% की हिस्सेदारी आ कैसे गई और एनडीटीवी उसके लिए मना कर रहा है कि मैं इसके लिए जानता ही नहीं कुछ, ये हो कैसे गया। तो इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपको जितनी मुश्किल हो रही है यह समझने में, उतनी ही आसानी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी कहानी बता दूंगा, कहां पर कौन विनर होगा, कहां पर से ट्विस्ट आएगा और क्यों ऐसा हुआ कि एनडीटीवी को पता ही नहीं लगा। साथ में शेयर से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट भी जो आपको नए तरीके से पता लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए कहानी स्टार्ट होती है रिलायंस वेंचर से। रिलायंस वेंचर जो एक कंपनी है, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। सब्सिडरी कंपनी आप ऐसे मान लीजिए कि आप पहले एक कंपनी खोलते हो और उसके बाद आप सोचते हो कि आप दूसरी एक सब कंपनी खोल दो, तो वो आपकी चाइल्ड कंपनी बोली जाएगी या फिर ये जो आपकी पहली कंपनी है मदर कंपनी बोली जाएगी, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि मदर कंपनी है, उसकी चाइल्ड कंपनी है रिलायंस वेंचर। अब ये जो रिलायंस वेंचर है, ये क्या करते हैं कि आसपास उद्योग बढ़ाने का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि जिनसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फायदा मिले और आसपास के बाजार में ऐसा क्या किया जाए, आइडिया शेयर करके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उस बारे में सोचने वाली ये कंपनी है। इस कंपनी ने आगे चलकर एक और चाइल्ड कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम है शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है। इसका सीधा सा काम यह है कि आसपास की ऐसी कंपनियां कॉरपोरेट सेक्टर में जिनको लोन की जरूरत है, तो ये सस्ते दरों पे लोन प्रोवाइड करते हैं। ये बोलते हैं कि भैया बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है तो आप हमसे भी लोन ले सकते हो, इस तरीके की ये कंपनी है। अब देखिए हुआ क्या कि शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के बाद एक ट्विस्ट आता है। अचानक से भैया इनको एक कंपनी एक दिन आती है और ये कंपनी कौन सी है, VCPL। VCPL आके शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को बोलते हैं कि सरकार हमारी स्थिति खराब चल रही है, आप हमें क्या लोन दे दोगे। तो ये कहते हैं बिल्कुल दे देंगे हम आपको लोन, कितना आपको लोन चाहिए। तो इन्होंने बोला आप हमें करीब 400 करोड़ का लोन दे दो। इन्होंने कहा ठीक है आप हमसे एक लोन ले लो। शिनैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने VCPL को पैसा दे दिया लोन स्वरूप। VCPL भी इसी तरीके से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं और VCPL ने आगे चलकर वो पैसा किसको बांटा, तो इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है राधिका रॉय प्रणव राय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसी कंपनी को इन शॉर्ट RRPR के नाम से जाना जाता है। RR का मतलब राधिका रॉय और PR का मतलब प्रणव राय। ये दोनों लोग हैं कौन, एनडीटीवी की स्थापना 1988 में करी गई थी और इन्हीं दोनों के द्वारा एनडीटीवी की स्थापना करी गई थी। ये दोनों जर्नलिस्ट भी हैं और इसी के तहत यही विजन लेते हुए एनडीटीवी की स्थापना इन्होंने करी थी कि हम एक इंडिपेंडेंट चैनल के रूप में इसको चलाएंगे, न्यूज चैनल के रूप में। एनडीटीवी कंपनी के आधार पर इन दोनों ने एक अलग कंपनी की स्थापना करी और यह कंपनी इसलिए स्थापित करी गई कि कभी भी एनडीटीवी को जरूरत पड़े व्यापार के लिए लोन लेने की, तो हम एनडीटीवी के आधार पर नहीं इस कंपनी के आधार पर लोन लेंगे। अब यह जो राधिका रॉय प्रणव राय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पर एनडीटीवी दिक्कतों से गुजर रहा होता है, यह बात है करीब 2009 की। उस टाइम पर RRPR ने क्या किया, VCPL से लोन मांगा। VCPL ने इनको लोन दे दिया। अब जब VCPL ने लोन दिया तो उस क्लॉज में VCPL ने RRPR को बोला कि यह लोन इस आधार पर है कि जितना हम आपको लोन अमाउंट दे रहे हैं उसके बिहाफ पर आपके 29.18% हमारे पास क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। कहने का मतलब VCPL ने बोला RRPR को कि हम आपको जितना लोन दे रहे हैं आप लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके एवेज में 29.18% शेयर हमारे पास गिरवी रखो आप। तो RRPR के पास मजबूरी थी, इन्होंने कहा ठीक है साहब हम आपके पास गिरवी रखते हैं। अब देखिए इन नॉर्म्स के आधार पर एक और यहां पे क्लॉज है। ये क्लॉज ये है कि अगले 10 साल तक अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हो तो VCPL के पास ये राइट होगा कि ये इनके गिरवी रखे जो बिल्स हैं, बिल्स उनको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब ये लोन लिया गया था RRPR के द्वारा
वीसीपीएल से, उस टाइम पर 29.18% स्टेक के बिल्स थे जो कि गिरवी रखे गए थे। लेकिन अगर आप 10 साल में उसे नहीं चुका पाते हो तो वीसीपीएल के पास अधिकार होगा कि ये इन बिल्स को शेयर्स में परिवर्तित कर देंगे, और अगर शेयर में परिवर्तित कर दिया तो जाहिर सी बात है ये मार्केट में आ जाएंगे, सेबी के नॉर्म्स में आ जाएंगे, और अगर ये मार्केट में आ गए तो कोई भी इन्हें खरीद सकता है, और अगर खरीद लिया किसी ने तो अल्टीमेटली हिस्सेदारी किसकी जा रही है, एनडीटीवी की हिस्सेदारी उसके पास जा रही है। अब देखो, ये लोन लिया गया था आरआरपीआर के द्वारा 2009 में, 2019 तक पूरे 10 साल होते हैं, ये लोन आरआरपीआर चुका नहीं पाती है। जब ये लोन ये नहीं चुका पाते हैं तो उसके बाद ये जो वीसीपीएल है इसके सामने एक नए गेस्ट की एंट्री होती है। अब ये नया गेस्ट कौन सा आ रहा है समझो भैया, मार्केट में इस टाइम पे एंट्री होती है एक नई और एकदम चमचमाती हुई कंपनी की, जिसका नाम है एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड। ये कंपनी कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता है। अगर आप गूगल में सर्च करके देखोगे तो इस कंपनी का प्रोफाइल ही नहीं मिलेगा, पता ही नहीं लगेगा ये कंपनी कहां से आ रही, कहां से जा रही, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये कोई कंपनी भी है। ये कंपनी इनको आगे बोलती है वीसीपीएल को कि भैया हम एनडीटीवी के स्टेक्स खरीदना चाहते हैं, आप हमें बेच दो। वीसीपीएल ने कहा साहब बिल्कुल, ये तो हमें वैसे भी लोन चुका नहीं पा रहे, 10 साल हो गए इन्होंने हमें लोन चुकाया नहीं है, तो इनके जो बॉन्ड्स हैं हम उनको शेयर में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, और हमने कर भी दिए हैं, तो आप हमसे शेयर खरीद लो। एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने वीसीपीएल से 29.18% शेयर्स खरीद लिए। अल्टीमेटली ये कंपनी जैसे ही ये शेयर खरीदती है तो दूसरी तरफ अडानी इंटरप्राइजेस ये अनाउंस कर देते हैं कि भैया मार्केट में एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड नाम की जो कंपनी है ये हमारी ही सब्सिडरी है। दिमाग की बत्ती जली ना, तो कहने का मतलब ये है कि अडानी ग्रुप ने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दूसरे रास्ते से एक नई कंपनी बनाकर एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के नाम से, और इससे खरीदवाए 29.18% शेयर। इस तरीके से एनडीटीवी के डायरेक्टली शेयर किसके पास आ गए, एएमजी मीडिया के पास आ गए, और वो एक तरीके से अडानी ग्रुप का ही हिस्सा हो गए। दूसरी तरफ जैसे ही ये काम हुआ तुरंत गौतम अडानी मीडिया में आए और इन्होंने एक ओपन ऑफर दिया कि हम एनडीटीवी के 26% स्टेक्स या शेयर और खरीदना चाहते हैं। अगर एनडीटीवी के 26% शेयर और इनके पास हो गए तो 29+26 कितना हो जाता है, 55%। 55% मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा, इवन 55 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो सीधी सीधी यह बात है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी का मालिकाना हक अब चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अडानी ग्रुप ने जो ओपन ऑफर दिया हुआ है 26% का, कि ये 26% और चाहते हैं, ये ओपन ऑफर होता क्या है। देखो सेबी के नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स ये कहते हैं सेबी के कि कोई भी कंपनी उस कंपनी के कम से कम 25% शेयर अगर अपने पास रखती है तो वो ओपन ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को कि आप हमें इस कंपनी के शेयर बेच दीजिए। अभी अडानी ग्रुप क्या बोल रहे हैं कि दुनिया भर में ऐसे लोग जिनके पास एनडीटीवी के शेयर्स हैं, आप हमें अगर अपने शेयर बेचना चाहते हैं तो ये ओपन ऑफर है, मेरा खुला ऑफर है, आप हमें शेयर बेच दीजिए। लेकिन ऐसा आप कब कर सकते हो, सेबी बोलती है जब आपके पास कम से कम 25% शेयर हो। तो अडानी के पास 25 से ज्यादा ही है, 29.18% शेयर है, इसलिए इन्होंने ओपन ऑफर कर दिया है। तो आज की डेट में ये शेयर अब इनके पास कहां कहां से आएंगे इसको देखते हैं। अगर करंट सिचुएशन में देखें तो एनडीटीवी के बाकी शेयर्स कहां कहां पर है, आंकड़े ये बोलते हैं कि कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास 9.61% स्टेक्स है, 12.57% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जैसे कि हम और आप अगर चाहें तो किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं ओपन मार्केट से, तो वो होता है आपका रिटेल इन्वेस्टर। उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि बाहर से दूसरे देशों में रह रहे लोग पैसा लगाते हैं या स्टेक्स खरीदते हैं, उनके पास 14.7% स्टेक है, और अदर्स की अगर बात करें तो 1.67% स्टेक है। जब राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने ये कंपनी एनडीटीवी से हटकर खोली थी तो इस कंपनी में इन्होंने 32.26% स्टेक्स एनडीटीवी के रखे थे, और जिसमें से 15.94% शेयर्स की हिस्सेदारी प्रणव रॉय की थी और 16.32% शेयर्स किसके हैं, राधिका रॉय के हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है पूरा सिनेरियो। और इस तरीके से आपने देखा कि एकदम बूम बन के अडानी के पास सीधे सीधे 29.18% स्टेक्स आ गए। एक चीज और आपको बता दूं, मार्केट में कल के दिन मंगलवार को जितना शेयर का रेट था एनडीटीवी का उससे 20% कम आका है अडानी ने।
मतलब कहने का यह है कि अडानी ने मान लीजिए मंगलवार को एनडीटीवी का शेयर 100 रुपए का था, तो अडानी ने आज की डेट में इसका जो रेट लगाया है वो 80 रुपए लगाया है। मतलब अडानी ने ये जो ओपन ऑफर दिया हुआ है, इस ओपन ऑफर में अडानी आपको बोल रहे हैं कि हम आपको एनडीटीवी के प्रत्येक शेयर का इतना पैसा देंगे, जो कि पहले से 80% है, 20% की उस पर घटोतरी करी गई है। यहां पर आप देख सकते हो अडानी मीडिया रिलीज, अडानी ने ये आज के दिन मीडिया रिलीज कर दी है। इसमें प्रॉपरली इन्होंने बताया हुआ है कि एमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड नाम की जो कंपनी है टू इनडायरेक्टली एक्वायर 29.18% स्टेक, कि इनडायरेक्टली इस कंपनी ने एनडीटीवी के स्टेक्स खरीद लिए हैं। इसके अलावा कुछ चीजें इन्होंने और यहां पर क्लियर करी हुई है, जैसे कि साल 2022 में जो एनडीटीवी है इनका रेवेन्यू 421 करोड़ का था, जिसमें से नेट प्रॉफिट 85 करोड़ का था। अब देखिए इन्होंने इस मीडिया रिलीज में सबसे नीचे एक पैरा डाल के एएमजी के बारे में भी लिखा हुआ है। एएमजी मीडिया नेटवर्क कंपनी लिमिटेड ये है कौन, समझिए, होल्ली ओन्ड बाई एंड सब्सिडरी ऑफ एईएल हाउसेस। एईएल हाउसेस का मतलब पता है, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का ही हिस्सा है और उसके द्वारा पूरे तरीके से बनाई हुई कंपनी है। एक चीज और देखिए इंटरेस्टिंग वे में, यहां पर लैंग्वेज का यूज कैसा किया गया है, द कंपनी वॉज रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड टू सेटअप अ क्रेडिबल नेक्स्ट जनरेशन मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में इसकी स्थापना करी गई थी, ओके? इसी वजह से जब आप गूगल पे जाके देखते हो तो कोई भी डेटा आपको इसका मौजूद नहीं मिलेगा। इवन आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी भी गूगल पे भी मैंने भी सर्च किया था और फिर से मैंने देखा कि शायद अब जल्दी से इस कंपनी का प्लेटफॉर्म बनेगा, गूगल पे तैयार होगा, लेकिन अभी तक भी इस कंपनी का कोई प्रोफाइल नहीं है। हो सकता है कल तक इस कंपनी का प्रोफाइल गूगल पे आ जाए। एक टेंशन हो रही होगी आपको कि जीएस की समस्या दूर कैसे करें, है ना? एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आप में से कई लोग एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर डिफेंस, पीसीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। इतनी सारी जीएस है, सब कोई सब कुछ पढ़ा रहा है, सिलेक्टेड कंटेंट कहां से लें? 1 तारीख से जीएस का फुल फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी प्लस में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, इसको आप लगाते हैं तो इस टाइम पर 30% तक का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। तो आपके पास अच्छा मौका है, मौके पे चौका मार दीजिए। 26 तारीख तक ये ऑफर चल रहा है, ये एक ऐसा बैच होगा। इसके अलावा आपको कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको, सब कुछ आपकी कवर कर रहा हूं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और अगर आपको पता है कि हाँ किसी और व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसा हुआ, तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। माइक झुकेगा नहीं।